आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था अरिस्टोटल साहब को और हकल साहब को, सॉरी टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस साहब ने, ठीक है। तो ये देखो अरिस्टोटल साहब ने क्या बताया था कि एनिमल को इस बेस पे डिवाइड करो उनके हैबिटेट के हिसाब से, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने साहब ने क्या बताया था कि इनको डिवाइड करो उनके कैरेक्टर के हिसाब से। तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिया था, कौन कौन सा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इस बेस पे उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर बात आई कि नहीं भाई ये ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, इससे क्या होगा कि हमें आगे स्टडी करने में क्या होगा, थोड़ा कठिनाई होगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल, ठीक है। क्या नाम था, अर्नस्ट हैकल। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था या दिया था कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई। अब आपको ध्यान देना है, इससे पहले हमने दो कैटेगरी ले लिया था, कौन कौन सा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया तो हमारे पास पहले से कैटेगराइज हैं, लेकिन उसमें हमको ये नहीं पता है कि कौन ऑटोट्रॉफ है, सॉरी ऑटोट्रॉफ तो उसमें पता है, ठीक है, उसमें भी अभी हमको बहुत सारे कैटेगराइज करने हैं। अभी उसमें हमको ये नहीं पता है कि कौन यूकैरियोट है और कौन प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि प्लांटी जितने भी थे, जितने भी प्लांट ग्रुप में थे, वो कैसे थे, यूकैरियोटिक, एंड कैसे थे, ऑटोट्रॉफिक। बात समझ में आई। तो उसमें प्लांट में ही एक इन्होंने और ग्रुप निकाल दिया, एक और किंगडम निकाल दिया, कौन सा, प्रोटिस्टा। कौन सा निकाला, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने बताया था कि ये कैसे होते, यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अभी देखो प्लांट में हमने जब लिनियस साहब ने बताया था कि जितने भी खुद खाना बनाएंगे यानी ऑटोट्रॉपिक, बात तो सही है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ ऐसे प्लांटी ग्रुप में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो क्या थे, हेटरोट्रॉपिक थे, उनको अलग करना था। तो अर्नस्ट हैकल साहब ने वही किया, उसमें से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को छांट के अलग निकाला जो कैसे थे, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। उस किंगडम को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। तो दो किंगडम अपने पास पहले थे, कौन कौन से, एनिमेलिया और प्लांटी। अर्नस्ट हैकल साहब ने कौन सा नया किंगडम दे दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। और ये कैसे थे, यूकैरियोटिक और ये हेटरोट्रॉपिक एज वेल एज ऑटोट्रॉपिक, दोनों थे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एनिमेलिया कंटेन यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एनिमेलिया में भी होता है हेटरोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पता चल गया, इसमें हमें एक नया किंगडम मिला था, कौन सा मिला था, प्रोटिस्टा। इससे पहले अपने पास दो था, कौन कौन सा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हमें इसमें केवल एक मिला, कौन सा, प्रोटिस्टा। किस बेस पे कैटेगराइज किया गया, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, कि ये हेटरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक या दोनों है। तो कुछ एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों थे, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक, इस बेस पे इन्होंने कैटेगराइज किया। लेकिन लिनियस साहब ने किस बेस पे कैटेगराइज किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट के हिसाब से किया था, ठीक है। वो अलग करेक्टर था, यहाँ पे एक और नया करेक्टर मिल गया, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों थे, यूकैरियोटिक एज वेल एज, सॉरी हेटरोट्रॉपिक एज वेल एज
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट आपका एनिमेलिया कंटेन यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। दूसरी बात सामने आई कि एनिमल के अंदर भी क्या है, यूकैरियोटिक है और हेटरोट्रॉपिक है। इसके बाद आपका आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपलैंड। ठीक है, ये कोपलैंड साहब ने प्रपोज किया था क्या, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो अपने पास तीन कैटेगरी पहले से, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। इन्होंने एक नया चीज खोजा, उसका नाम क्या था, मोनेरा। क्या नाम था, मोनेरा। ये तीनों तो अपने पास पहले से थे, ये आपको केवल याद रख लेना। ठीक है, क्लास नाइन्थ में इतना हाई फाई नहीं दिया है तो ये आपको याद रख लेना है। प्रोटिस्टा सॉरी मोनेरा, इन्होंने क्या किया था, एक नया कैटेगरी खोजा था। किसने, कोपलैंड साहब ने। किस किंगडम क्लासिफिकेशन में, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो आपके पास हो गया अरिस्टोटल, लिनियस, हैकल और कोपलैंड। इन्होंने अपने अपने थेसिस के हिसाब से नया नया कैटेगरी बना दिया। अब एक लास्ट में आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, आरएच विटेकर साहब ने। किसने दिया था, आरएच विटेकर साहब ने। अब देखिए यहां पे जो करेक्ट कैटेगराइजेशन हुआ ये इनके सेल के हिसाब से किया गया। अब देखो अपने पास तीन पहले से, कौन कौन से, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या खोजा था, फंजाई। अब आरएच विटेकर साहब क्या खोजेंगे, सॉरी मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। इन्होंने क्या किया कि प्लांटी और एनिमेलिया से कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जो कैसे थे, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक भी थे, सेप्रोट्रॉपिक भी थे, हेटरोट्रॉपिक और सेप्रोफाइट दोनों थे। उसमें से कौन किसको निकाला गया, फंजाई को। ठीक है, तो पांच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आरएच विटेकर ने। कब दिया था, 1969 में। चार अपने पास पहले था किंगडम, कौन कौन था, एनिमेलिया, प्लांटी और मोनेरा, प्रोटिस्टा। नया कौन सा डिस्कवर हुआ, फंजाई। बात समझ में आई। तो ये फाइनल शेप था। अब देखो मोनेरा जो था वो क्या था, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट अगर आपने क्लास एट में पढ़ा होगा तो ये क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, और यूकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोनेरा ही जिसके अंदर बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एनाबिना, नोस्टाक जितने भी आते हैं, ये किस में आते हैं, प्रोकैरियोट, मोनेरा के अंदर। जितने भी प्रोकैरियोट है सब किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। ठीक है, फिर यूकैरियोट यूनिसेलुलर, किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट यूनिसेलुलर किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर, और यूकैरियोट मल्टीसेलुलर इन तीनों में आते हैं। फंजाई में भी आता है, प्लांटी में भी आता है, एनिमेलिया में भी आता है। अब इसको हमें एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है। मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, प्लांटी के बारे में पढ़ना है और एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता चल गया सबसे पहले कैटेगराइज किसने किया था, अरिस्टोटल साहब ने। ठीक है, फिर उसके बाद किसने किया था, लिनियस साहब ने। फिर उसके बाद हकल साहब ने। फिर उसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको किसने दिया था, आरएच विटेकर ने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एक करके पूरा ग्रुप पढ़ेंगे, पूरा किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट से लेके मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा पूरा ये बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम लोग एक एक कैटेगरी करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।